हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टॉलीवुड अपडेट्स। तो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कलर्स टीवी के अपकमिंग रियलिटी टीवी शो हुनरबाज के बारे में। तो गाइज, हुनरबाज ये जो शो है, इस पर मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ। तो हुनरबाज कलर्स का जो टैलेंट बेस्ड रियलिटी टीवी शो आने वाला है, इसी के जजेस के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो पहले तो हम बात कर लें कि जो पुराने जजेस हैं, यानी कि जो जजेस हमें पहले से ही पता थे, उनके नाम तो मिथुन चक्रवर्ती एक तो पहले जज होने वाले थे, तो प्रोमो से ही रिवील हो गया था, ये तो सबको पता ही है। तो फिर मैंने इस पे एक अलग वीडियो भी बनाया था जिसमें आपको बताया था कि सेकंड जज जो हैं वो करण जौहर होने वाले हैं। तो इंडियाज़ गॉट टैलेंट को वो जज करा करते थे कलर्स पर ही। इंडियाज़ गॉट टैलेंट तो सोनी टीवी पे चला गया, लेकिन ये जो हुनरबाज है इसमें स्टिल करण जौहर जो हैं वो जज रहने वाले हैं। तो सेकेंड जज करण जौहर होने वाले हैं। तो अब थर्ड जज के मैंने आपको कुछ नाम दिए थे कि जो कि शॉर्टलिस्ट किए गए थे, अब हमें फाइनल रिवील हो चुका है कि कौन थर्ड जज होने वाली हैं। तो गाइस, परिणीति चोपड़ा बॉलीवुड एक्ट्रेस होने वाली हैं थर्ड जज हुनरबाज पे। एक्चुअली इंडियाज़ गॉट टैलेंट ही मुँह से निकल जाता है हर बार। तो परिणीति चोपड़ा थर्ड जज करने जो थर्ड जज होने वाली हैं वो परिणीति चोपड़ा होने वाली हैं ये हुनरबाज नए टैलेंट बेस्ड शो में। तो ये हैं तीन जजेस जो कि फाइनली रिवील हो चुके हैं, तीनों के नाम, और ये ऑफिशियली कन्फर्म्ड ये तीनों प्ले करने एक्चुअली जज करने वाले हैं हुनरबाज कलर्स टीवी के शो को, परिणीति चोपड़ा, करण जौहर और मिथुन चक्रवर्ती। तो गाइस, क्या आप हुनरबाज ये जो शो आ रहा है कलर्स टीवी पे, इसके लिए एक्साइटेड हैं, या फिर आप सोनी टीवी के इंडियाज़ गॉट टैलेंट के लिए एक्साइटेड हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइए आप इन दोनों में से किसको देखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट्स में बताइए ये तीनों जजेस में से आपको ये सही लगे या फिर नहीं। और गाइस, ऐसी ही लेटेस्ट हुनरबाज कलर्स टीवी की न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में जो बेल आइकन है यानी कि घंटे का ऑप्शन है उसको जरूर दबा लीजिए ताकि आप किसी भी अपडेट को मिस ना करें। तो फिलहाल के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।